नमस्कार साथियों, गुड़ जितना अपने स्वास्थ्य के लिए बेहतर है उतना ही फसल और पौधों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा है। तो आज इस गुड़ के बारे में सारी जानकारी पर चर्चा करेंगे कि गुड़ का उपयोग फसल में किस किस प्रकार से कर सकते हैं, गुड़ के फसल में उपयोग करने से क्या क्या फायदे हैं, इसके साथ साथ इसका किस प्रकार से कोई कल्चर बना सकते हैं, सरसों की खली में इसको मिला सकते हैं, या फिर इसका जो बायो डिकम्पोजर घोल है वो किस प्रकार से इसका बना सकते हैं, और इस प्रकार से गुड़ का उपयोग डायरेक्ट करने से ज़्यादा फायदा है या किसी कल्चर के साथ इसका उपयोग करने से ज़्यादा फायदा है, या फिर गुड़ का जो स्प्रे करते हैं वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर डायरेक्ट इसको ड्रिप से चला सकते हैं। तो इस सारी बातों पर चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो अंत तक देखिए जिससे सारी जानकारी आपको मिल सके और आप इस गुड़ का प्रयोग अपनी खेती में कर सके और सस्ते में आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं किसान साथियों। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं गुड़ के फसल में फायदों की, गुड़ के मिट्टी में फायदों की। मिट्टी में कुछ एनपीके बैक्टीरिया होते हैं जिसको अपन जैसे देखते हैं, नाइट्रोजन के लिए एजोटोबैक्टर होता है, राइजोबियम होता है, फास्फोरस के लिए फास्फोगोलक बैक्टीरिया होता है, पोटास के लिए पोटास सोलबराइजिंग बैक्टीरिया होता है, इसी प्रकार से जिंक के लिए होते हैं, कुछ अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए बैक्टीरिया होते हैं जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं और जो इस प्रकार के जो पोषक तत्व है इनका स्थिरीकरण करते हैं। तो इस प्रकार के जो बैक्टीरिया उनके लिए गुड़ एक अच्छा संवर्धक है, अच्छा भोजन है। तो अगर गुड़ का उपयोग अपनी भूमि में अपन करते हैं तो इस प्रकार के बैक्टीरियाओं की संख्या बढ़ती है, ये मल्टीप्लाई होते हैं और इनकी संख्या बढ़ने से जो भूमि में उपस्थित नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या अन्य जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो पौधों के लिए उपलब्ध अवस्था में आते हैं और पौधा उसको ग्रहण करके अच्छा विकास उसका कर हो पाता है, अच्छा विकास अपना कर पाता है, जिससे अच्छा विकास होता है, अच्छी उसमें प्रोटीन होती है और अच्छा ही अपने को उत्पादन मिल पाता है। अगर बात करें गुड़ का उपयोग कौन कौन सी फसलों में आप कर सकते हैं, गुड़ का उपयोग आप सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो अनाज वर्गीय फसलें हो, चाहे वो सब्जी वर्गीय फसलें हो, या फिर किसी फल प्रकार के जो पौधे होते हैं उन सभी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर अपन फसल के अंदर किसी प्रकार के हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं, खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं या कीटनाशक या फंगीसाइड का अपन प्रयोग करते हैं जिसे फसलें स्ट्रेस में चली जाती है, फसलें तनाव में चली जाती है और जो फसलों की ग्रोथ है, जो वृद्धि है वो रुक जाती है, अगर गुड़ का प्रयोग अपन फसल में करते हैं, गुड़ में कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं जिनके कारण जो फसलें स्ट्रेस में गई है उनकी जो वृद्धि है वो सुचारू रूप से चलने लग जाती है। इसी के साथ अगर भूमि में अपन गुड़ का उपयोग करते हैं तो भूमि में उपस्थित कुछ अपशिष्ट पदार्थ, जड़े हैं या कृषि अपशिष्ट है उसको गलाने के लिए भी गुड़ का इस्तेमाल अच्छी तरीके से हो सकता है, क्योंकि जो भूमि में जो बायो डिकम्पोज करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ भी गुड़ के कारण अच्छी तरह हो पाती है और वो अच्छा अपना काम कर पाते हैं और भूमि में उपस्थित जो कृषि अपशिष्ट है, गोबर है, अन्य प्रकार के जो अपशिष्ट है उनका जो डिकम्पोजेशन है वो इस गुड़ के द्वारा ज़्यादा हो पाता है। इसके अलावा गुड़ के साथ अगर अपन सरसों की खली है, नीम खली है तो या फिर कपास खली है इसका उपयोग करके भी अपन गुड़ का इस्तेमाल अपने खेत में कर सकते हैं, जिससे अपने को अलग से किसी प्रकार का यूरिया, डीएपी या फिर अन्य प्रकार का न्यूट्रिएंट जो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं तो उसका प्रयोग अपन फसल में नहीं करना होगा और अपना खर्चा ज़्यादा नहीं लगेगा, मतलब खर्चा अपना है वो बच जाएगा और अपनी खेती है वो कम खर्चे में अधिक मुनाफा अपने को दे देगी और गुड़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता, मतलब चीपेस्ट प्राइस में आपको मार्केट में ये मिल जाता है। अगर गुड़ आपको जो काला गुड़ होता है जो अपने दुकानदारों पर जो पंसारी होते हैं वहाँ पर अगर खराब गुड़ भी आपको मिलता है तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं अपने खेतों। इसके साथ साथियों, अगर अपना एनपीके कंसोर्टिया है या बायो डिकम्पोजर का जो घोल अपन तैयार करते हैं उसमें गुड़ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका घोल बनाने के लिए भी आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बात करें किस प्रकार से आप इसका घोल बना सकते हैं तो अपना इफको का या कर्बको का जो एनपीके कंसोर्टिया आता है तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन आप गुड़ के द्वारा कर सकते हैं। इसके लिए आप जो अपना 20 लीटर का जो ड्रम है वो ले सकते हैं और इसमें एनपीके कंसोर्टिया को डाल दें और उसमें आप कम से कम आधा से एक किलो गुड़ का इस्तेमाल करके आप 2 से 3 दिन में उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और उसकी मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से जो बायो डिकम्पोजर है उसका घोल भी आप 50 लीटर के ड्रम में 1 या 2 किलो गुड़ का इस्तेमाल करके आप तैयार कर सकते हैं और अपनी फसल में या भूमि में चला सकते हैं या फिर आप ड्रिप के माध्यम से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा जो लाभ है वो भूमि में आप इसका ले सकते हैं। और भूमि में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो लाभदायक फंगस होती हैं उनकी संख्या को आप बढ़ा सकते हैं जिससे अपने को अच्छा लाभ कम खर्चे में मिल सकता है।
तो ऐसी अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर अच्छा वीडियो आपको लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।